दोस्तों, ब्राजील का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आती है बेहतरीन चमचमाती हुई कार्स, जो कि दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाते हैं। ये कार्स कुछ स्पेसिफिक तरह से मॉडिफाई की जाते हैं, जिसकी वजह से ब्राजील पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ कार्स की वजह से ही ब्राजील फेमस है क्या? तो आपको बता दें कि नहीं दोस्तों, ब्राजील इथेनॉल और कपड़ों का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी ब्राजील उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से उसे करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ब्राजील के पास आज जो कुछ भी है वो उसकी मेहनत है, क्योंकि मात्र 100 साल पहले आजाद हुआ देश, जो कि पुर्तगालियों के गिरफ्त में करीब 400 सालों तक रहा था, और 400 सालों तक ब्राजील की महिलाओं ने उनकी हवस और क्रूरता देखे थे, उसके लिए सदमे से उबरना एक बड़ी बात है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ब्राजील पहले के समय में कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राजील का इतिहास स्वदेशी लोगों के साथ शुरू हुआ था। कहते हैं कि यूरोपीय लोग 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राजील पहुंचे थे, तब से उन्होंने वहां पर अपना शासन शुरू कर दिया था। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वैसे ही पुर्तगालियों ने भी साउथ अमेरिका के कई बड़े हिस्सों पे अपना अधिकार कर लिया था। उस समय ब्राजील असल में पेड्रो का गुलाम था। कहते हैं कि पेड्रो के इशारे पर न जाने कितनी ब्राजीलियन लड़कियों की इज्जत रोज लूटी जाते थे। उस समय बाहर से आए बड़े व्यापारी जो कि पुर्तगाली होते थे, उन्हें रात के खाने के बाद मीठे के रूप में कुंवारी लड़कियां दी जाती थी, ताकि व्यापारी खुश होकर व्यापार को और बढ़ावा दे सकें। ये लड़कियां बहुत ही कम उम्र की होती थी। इन लड़कियों को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता था। ये सारी ब्राजीलियन लड़कियां केवल एक तमाशा बन के रह जाती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट ली और पेड्रो के मरने के बाद उनकी बेटी सत्ता संभाल नहीं पाई, और ब्राजील में अंदर ही अंदर चल रहे आंदोलन ने गर्मी पकड़े, जिसके बाद ब्राजील ने अपने आप को गुलामी की जंजीरों से छुड़ा लिया। पहले भी ब्राजील ने कई बार कोशिश की कि वो आजाद हो सके, लेकिन वो अपनी ही कमियों की वजह से नाकाम रहा। असल में ब्राजील में शुरुआत से ही उनके वैचारिक मतभेदों की वजह से चीजें खराब होती आई हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्राजील को आजादी का एक मौका 1831 में मिला था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से ब्राजील को आजादी नहीं मिल पाई थी। बाद में यही आजादी का सिलसिला 1888 तक चला, और फिर 1891 में ब्राजील आजाद हुआ। ब्राजीलियन लोगों को एक आस थी कि आजादी के बाद पूरा देश उनका होगा और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल आजादी के बाद 1930 में पुराना गणराज्य लगभग समाप्त कर दिया गया, और ब्राजील के एक नेता ने ही तानाशाही से अपनी सरकार बनाई, और ब्राजील एक तानाशाह की गिरफ्त में आ गया, और फिर ब्राजील ने तानाशाही का शासन देखा। दोस्तों, ये वो समय था जब ब्राजील बाहर के कई बड़े माफियाओं से हाथ मिलाए हुए था। दोस्तों, आपको बता दें, ब्राजील दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। ब्राजील की गाड़ियां अपनी तीर से तेज स्पीड और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। असल में यहां पर पुरानी गाड़ियों को कस्टमाइज करके उन्हें किसी खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो खास काम ये है कि ब्राजील आज भी दुनिया के 70-80% माफियाओं के लिए गाड़ी असेंबल करता है। ब्राजील की कस्टमाइज की हुई गाड़ियां अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में जाती हैं। बड़े बड़े तस्कर इन गाड़ियों का इस्तेमाल बम धमाकों और कई गलत कामों के लिए करते हैं। आज तो इन सारी चीजों पर थोड़ी लगाम लगे हुए है, लेकिन एक समय था जब ब्राजील को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और ब्राजील खुलेआम इन चीजों की तस्करी करता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी यहाँ के क्राइम में कोई खास अंतर नहीं आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर चोरी, डकैती और खून खराबे जैसे कारनामों को अंजाम देने वाली 80% लड़कियाँ होती हैं। ये लड़कियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि अकेला आदमी तो इनसे जीत ही नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, जब ब्राजील पुर्तगालियों का गुलाम था, तो वहाँ के महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि पुर्तगालियों की नजर से ब्राजील की शायद ही कोई लड़की या औरत बची हो जिसके साथ उन्होंने रात न गुजारे हो। पुर्तगालियों का सीधा सिद्धांत था कि ब्राजील में औरतों और लड़कियों से संबंध बनाकर उनसे बच्चा पैदा करें और ब्राजील पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लें। इसलिए महिलाओं ने मिलकर एक यूनियन का गठन किया, और उसके तहत लगभग हर महिला को आत्मरक्षा के बारे में सिखाया गया। लेकिन ब्राजील के आजाद होने के बाद कुछ महिलाओं ने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया, जैसे कि वहाँ की महिलाएं महंगी गाड़ियां चुराने लगी ताकि उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के बाद उन्हें उससे अच्छा पैसा मिल सके, और धीरे धीरे ये सारी चीजें उनकी आदत में शुमार हो गईं। दोस्तों, भारत में रह रहे लोगों को लगता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील के लिए तो आज भी ये कहा जाता है कि वहां पर खुला क्राइम होता है। भारत में किसी भी शहर में आप खुलेआम बंदूक और तमंचा जैसी खतरनाक चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन ब्राजील में आपको सिल्वर, गोल्डन और इम्पोर्टेड गन्स खुलेआम दुकानों पर मिल जाएंगे। और इस पे यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं बोलती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में ब्राजील में सबसे ज्यादा कैथलिक रहते हैं, और उनमें आपस में इतनी ज्यादा एकता है कि उन्हें तोड़ पाना और उनके खिलाफ आवाज उठा पाना अभी तो किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब पुर्तगाली इस देश पर राज कर रहे थे, तब कई बार दोनों पक्षों के बीच ऐसे युद्ध हुए थे कि खून की धार सड़कों पर बहने लगे थे। उसमें कितने लोग मार दिए गए, इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है।
ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पुर्तगाली अक्सर किसी के भी घर में घुसकर उस घर की लड़की के साथ तमंचे की नोक पर संबंध बनाने लग जाते थे, जिसके बाद ब्राजील की जनता ने एकजुट होकर उनसे कई बार युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ डरपोक उस युद्ध में आते ही नहीं थे। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्हें पहले अपनी बीवी और बेटी की इज्जत से हाथ धोना पड़ा और बाद में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों बता दें, ब्राजील में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर आज भी इंसान नहीं रहते, लेकिन उन आइलैंड्स पे पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांप रहते हैं। दरअसल इन्हीं सांपों की वजह से आए दिन दुनिया भर के शोधकर्ता ब्राजील में आते रहते हैं, क्योंकि इन सांपों में पाया जाने वाला जहर दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों के लिए दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से लोग दुनिया के पता नहीं किस किस कोने से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों ब्राजील को एक बोल्ड कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर रहने वाले कुछ मुसलमान भी पर्दा नहीं करते हैं और मुस्लिम औरतें भी बीच पे बिकिनी में घूमती हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफी बोल्ड और सुंदर हैं। 19वीं शताब्दी में जब लोग कपड़ों से अपने बदन को पूरी तरह से ढकते थे, तब यहाँ की लड़कियाँ और औरतें बिकिनी और बैकलेस जैसे कपड़ों को बहुत ज्यादा पहनते थे। कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल भी हुए हैं जिनमें साफ साफ इन हरकतों को देखा जा सकता है, लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों आज के समय में भी ब्राजील की गिनती ऐसे देशों में ही होती है जहाँ पर क्राइम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ड्रग्स और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों को भी यहाँ से कई अलग अलग देशों में इंपोर्ट किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रहती हैं। एक समय था जब ब्राजील की पार्टीज में भी लड़कियाँ बिना कपड़ों के नाचते थे। आज भी वही समय है, लेकिन अब उस काम के लिए दबा के पैसे लिए जाते हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ काफी खूबसूरत होती हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता है, तभी तो दुनिया भर में रशियन लड़कियों के बाद प्रोस्टिट्यूशन में ब्राजीलियन लड़कियों की ही मांग है। दोस्तों ब्राजील ने शुरुआत से ही काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। इंसानी गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक गतिविधियों ने भी ब्राजील की बहुत परीक्षा ली है। 1775 में भूकंप, ज्वारीय लहरों और आग के रूप में एक ट्रिपल आपदा ने लिस्बन के अधिकांश हिस्सों को समतल कर दिया था। उस समय ब्राजील पर पुर्तगाल का राज था। इन सभी का खामियाजा ब्राजील के साथ साथ पुर्तगालियों को भी भुगतना पड़ा। दोबारा से पुर्तगाल ने ब्राजील को एक लंबी और दर्दनाक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में स्थापित कर दिया। दोस्तों कई शोधों में वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ब्राजील एक बहुत पुराना देश है, क्योंकि पश्चिम गोलार्ध में पाए जाने वाले अब तक के सबसे पुराने बर्तन को ब्राजील का ही बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बर्तन करीब 8000 साल पुराने हैं। ब्राजील के कई ऐसे नियम भी हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जैसे कि ब्राजील के कैदी हर बार एक किताब को पढ़कर अपनी सजा को 4 दिन कम कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष के लिए 48 दिन तक कम कर सकते हैं। हालांकि ये आवश्यक है कि कैदी पुस्तक पढ़ने के प्रमाण के रूप में एक पुस्तक रिपोर्ट लिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैदी बाहर निकलकर अपने ज्ञान से ब्राजील के निर्माण में कुछ पॉजिटिव योगदान कर सके और समाज में अपनी एक नई और अलग पहचान बना सके। और यहाँ के कई ऐसे कैदी हुए भी हैं जिन्होंने इस वजह से अपनी जिंदगी को बदलकर एक नया मोड़ दिया है। दोस्तों ब्राजील धीरे धीरे अपने राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पुरानी परिस्थितियों और पुराने ब्राजील के क्राइम वाली पहचान से उसे छुटकारा मिल सके। वैसे इतना सब जानने के बाद आपका ब्राजील के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।